नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का ब्रेक के बाद स्वागत है। करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दो दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम समेत तमाम नेताओं ने स्टेशन पर किया स्वागत। अग्नि प्राइम मिसाइल का ओडिशा में हुआ सफल प्रशिक्षण, 2000 किलोमीटर की सीमा तक है मारक क्षमता। कोरोना के मोर्चे पर रात भरी खबर, 24 घंटे में सामने आए 50,000 से कम नए केस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव न लड़ने का किया ऐलान। औरैया डीएम को लंदन से मिला बड़ा सम्मान, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से मिला अवार्ड। तो करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ के दो दिन के दौरे पर पहुंचे। कानपुर से प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस ट्रेन से रवाना होने के बाद उन्नाव होते हुए राष्ट्रपति अपनी पत्नी और बेटी के साथ लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उतरे, जहां पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति इसके बाद राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वाहनों के काफिला में चारबाग से हजरतगंज होते हुए राजभवन पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी सविता कोविंद, बेटी स्वाति के साथ कानपुर शहर से करीब 10:30 पर प्रेसिडेंशियल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना हुए। इस दौरान उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के साथ स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। मैं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ मनीष ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि शेड्यूल तय है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव से भी इसे जोड़ते हुए देखा जा रहा है और आज हाईटी का भी प्लान है। तो आपकी क्यूटी बता दूं कि आज करीब 11:50 पे अपने तय निर्धारित समय से रामनाथ कोविंद अपने परिवार के साथ लखनऊ पहुंचे। उनका स्वागत करने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम मंत्री आज वहां मौजूद थे। आपको बता दूं कि वो सीधे राजभवन के लिए चले गए हैं। राजभवन में अब शाम को करीब 4:30 एक हाईटी कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी न्यायाधीशों को आमंत्रित किया गया है। आपको बता दूं, इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति एनवी रमना भी मौजूद रहेंगे, साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ मुनीश्वर नाथ भंडारी भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ करीब 2 घंटे का ये हाईटी का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद करीब 7:30 से न्यायाधीशों के साथ एक वार्तालाप का कार्यक्रम रखा गया है, जो भी राजभवन में ही किया जाएगा। 8:45 पे डिनर का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ कल जो दूसरा दिन रहेगा और अंतिम दिन रहेगा, उसमें लोकभवन में अंबेडकर संस्कृति सेंटर का शिलान्यास भी राष्ट्रपति कोविंद करेंगे। उसके बाद करीब 4:30 वो दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। कीर्ति, सांस्कृतिक कल्चर सेंटर का भी शिलान्यास करने जाएंगे, आपने जिस तरह से मनीष बताया, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल देखी जा रही है और इस वक्त क्या कुछ देख सकते हैं आप अभी फिलहाल और क्या क्या बाकी है रामनाथ कोविंद के द्वारा करना? मैंने आपको जैसे अभी पहले बताया था कि करीब 4:30 से अभी तो विश्राम किया गया है। कुछ राजभवन के जो इंटरनल स्टाफ हैं उनके साथ उनकी बैठक है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस समय मौजूद हैं राजभवन में। और इसके बाद 4:30 से न्यायाधीशों को जो आमंत्रित किया गया है वो वहां पे पहुंचना शुरू करेंगे। और 4:30 पे हाई टी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें चाय और नाश्ते का व्यवस्था की गई है। तमाम न्यायाधीश रहेंगे इसमें मौजूद रहेंगे। शाम को करीब 7:30 से वार्तालाप होगा। करीब 8:45 एक डिनर का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तमाम न्यायाधीश और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी मौजूद रह सकते हैं। कीर्ति, जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के लखनऊ दौरे पर हैं, जहां वो कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ मनीष ने भी आपको बताया कि कार्यक्रम पहले से तय है, हालांकि अंबेडकर प्रतिमा का भी शिलान्यास करने वाले हैं, उसको लेकर भी तैयारियां दुरुस्त की गई और भव्य स्वागत अब तस्वीरों में भी देख सकते हैं रामनाथ कोविंद का किया गया। प्रेसिडेंशियल ट्रेन के माध्यम से कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ पहुंचे रामनाथ कोविंद।
बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि बीएसपी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके पीछे की वजह भी मायावती ने बताई। उन्होंने पार्टी नेताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा है। साथ ही साथ यहां मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी वाली गलतियों को दोहरा रही है। मायावती ने कहा है कि इससे लोकतंत्र की जड़ें भी कमजोर हो रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए तैयार अपना नारा भी बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनका मुख्य नारा है और उद्देश्य है यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बीएसपी को सत्ता में लाना ही होगा। मायावती ने कहा कि विपक्षी पार्टियां और मीडिया बीएसपी को कम ना आके राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी उसी तौर तरीके से काम कर रही है जैसे समाजवादी पार्टी करती थी। मायावती ने कहा कि ऐसी शैली की वजह से ही उन्होंने 1995 में एसपी से अलग होने का यानी कि सपा से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अब बीजेपी भी वही कर सब कुछ वही कर रही है। इस खबर पर इस वक्त ब्यूरो चीफ मनीष हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। मनीष, मायावती का बड़ा बयान सामने आया है, इतने दिनों से चुप्पी साधे हुई थी, कहीं ना कहीं लोग जो थे उन्हें कम आंक रहे थे और कहा जा रहा था कि जो उनका संगठन है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता जा रहा है। एक के बाद एक विधायकों का भी बागी होना भी सामने आ रहा था, वहीं हुंकार एक बार फिर मायावती ने भर दी है। जी हाँ, देखिए आपको बता दूं, जब भी आप कभी बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करेंगे या उनकी कार्यशैली की बात करेंगे तो बहुत साइलेंटली वो काम करती हैं। कभी उनको सामने आके कभी कोई प्रकट नहीं करती हैं या अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है वो किसी डिस्क्लोज नहीं करती हैं और ऐसे निर्णय लेती हैं जिसका कि किसी को पता नहीं चलता है। आज कहीं चलते हुए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा सीधा हमला उन्होंने योगी सरकार पे किया है। आपको बता दूं कि भाजपा के ऊपर उन्होंने आज पूरा हमला किया था जिसमें बताया गया था कि समाजवादी पार्टी ने जो गलतियां की थी, जो जिसकी वजह से सत्ता गवाई थी, वही भूल एक बार फिर से बीजेपी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव के ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो हमें जोड़ने की कोशिश की जा रही, हमारे नाम को इधर से बसपा की किसी के साथ चुनाव लड़ेगी, इस बात का भी उन्होंने खंडन किया। उन्होंने बोला कि बसपा अकेले उत्तर प्रदेश में जो आगामी जो 2022 का चुनाव है वो अकेले अपने दम पे लड़ेगी और किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बोला कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव चल रहा है उसमें भी वो प्रतिभाग नहीं लेंगी क्योंकि वो उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहती हैं। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है 2022 में बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनना। पर ये कितनी कठिन जगह है ये खुद बसपा सुप्रीमो मायावती भी जानती हैं क्योंकि करीब ये 10 साल के ऊपर का समय हो गया उनको सत्ता में नहीं है, तो उसके बाद आपकी पार्टी भी हाशिए पे चल रही है, कैसे आप अपना जनाधार उसको कैसे बचाएंगे, बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को कैसे इकट्ठा करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि मायावती का माना जाता है कि जब वो निकलती हैं अपने वोट बैंक को जो उनको साथ के रखा है उसमें, जब से भीम आर्मी की आप बात करेंगे, चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे, तो एक कहीं ना कहीं सेन लगी है। तो 2 नहीं 3 तरफे हमला इस समय बसपा के ऊपर है, उनसे कैसे उबरना है, कैसे वो अकेले चुनाव में खड़ी होती हैं, किस तरीके से चुनावी रणनीति बनाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, लेकिन सर्वजन को बचाना नारा दिया है उन्होंने, साफ तौर पर कह दिया कि अब तैयारी जो होगी वो विधानसभा को लेकर होगी, तो सर्वजन को बचाना है, इस नारे के पीछे आपको क्या लगता है कि कौन से वो मुद्दे, कौन सी वो तैयारियां बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से होने वाली है और तमाम जो उनके सहयोगी लोग हैं वो किस तैयारी पर उतरेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मायावती ने आज ये घोषणा की थी उनका सीधा हमला था योगी सरकार पे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से कोविड प्रबंध किया गया था, कोविड में चला गया है वो उसके लिए पूरी सीधे तौर पे बसपा बीजेपी सरकार है, बसपा इन सब मुद्दों को सामने लाएगी, बसपा सपा के किए गए कारनामों को सामने लाएगी, बसपा बीजेपी के जो कार्यकाल में जो खामियां हैं उसको आगे लाएगी और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल और उत्साह बढ़ाने के लिए वो मैदान में उतर चुकी हैं। लगातार अपने कार्यकर्ताओं को वो संदेश भेज रही हैं, लगातार अपने जो उनके यहाँ कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो बूथ स्तर के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे लगातार संपर्क में है और अब मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। बहन मायावती जो बसपा सुप्रीमो हैं उन्होंने अब सीधा बिल्कुल मनीष, लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात भी ये भी बन जाती है कि जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष पद का लड़ने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक मनोबल जो चुनाव जीतने के बाद बनता है उससे तो दूर कर दिया गया, विधानसभा में डायरेक्टली उतारने की बात की जा रही है। उसके पीछे उन्होंने उसका एक रीजन दिया था कि उसमें वो समय व्यर्थ नहीं करेंगे क्योंकि चुनाव में अब कुछ समय ही बाकी है,
काफी समय कोविड में चला गया है और ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि तीसरी वेव भी आ सकती है। तो ऐसे में अगर वेव आती है तो 2-3 महीने और आपके खराब चलेंगे। जब वेव खत्म होगी तो आप चुनाव के मुहान पे खड़े होंगे, तो उसमें कोई भी गलती कोई भी कमी ना रह जाए। इसलिए अब वो जो बचा हुआ समय है वो सीधा और सीधा सिर्फ और सिर्फ 2022 पे फोकस कर रही हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो उन्होंने सीधे साफ तौर पे कहा है कि न सीएम योगी सरकार न सपा में अखिलेश के साथ। बिल्कुल मनीष, लेकिन क्या लगता है आपको, इतने दिनों से चुप्पी साधी हुई थी और अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया है, तो डायरेक्टली विधानसभा में अगर वो उतरेंगी तो क्या लगता है आपको, आपकी दृष्टिगत की सोच क्या कह रही है कि क्या चुनाव में फायदा होगा इस सोच के साथ, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा होता है उसे लड़ने के लिए मना कर दिया। आपको बता दूं कि बसपा सुप्रीमो का एक अपना जो वोट बैंक है उसको 18% वोट बैंक माना जाता है, और जब आप बसपा सरकार बनी थी, जब पूर्व सरकार बनी थी, तो उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का बहुत बड़ा अहम रोल था। अभी आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही सतीश चंद्र मिश्रा को नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बना दिया गया है। एक अहम जिम्मेदारी होती है कि कैसे अपनी चीज़ों को आप समझ में कराना है, कैसे आपको अपने विचार को आगे रखना है, कैसे अपनी चीजों को जन जन तक फैलाना है। ये बहुत अहम मुद्दा होता है, बहुत अहम चीज होती है, और इसी तैयारी से आप देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद बनते ही जहां ट्विटर पे अभी सिर्फ मायावती दिखती थी, दूसरी तरफ आज कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि वोट बैंक बहुत छटा है और जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है बसपा सुप्रीमो मायावती को और बीएसपी पार्टी को, तो वो भी एक समय है कि जो हमने वो भी देखा, हालांकि जनाधार जब बना था लेकिन उसके बाद से लगातार वोट बैंक इनके खिसके हैं, बड़े बड़े नाम इनके पाले से हट गए हैं, बागी हो गए विधायक खुद निकाले गए हैं कुछ तो मायावती के द्वारा। ये आज से नहीं है, आप अगर पिछला इतिहास देखेंगे तो बसपा का ये इतिहास बहुत पुराना रहा है। जो बहुत करीबी होते हैं उनको पल भर में किनारे कर दिया जाता है, फिर नए लोग आके बहुत करीबी बन जाते हैं। ये बसपा का हमेशा से ट्रेंड रहा है। आपको बता दूं कि बसपा की कार्यशैली एकदम अलग है, वहाँ वन मैन आर्मी होती है, वहाँ बसपा का मतलब ही होता है कि मायावती, और मायावती का मतलब होता है बसपा। यही उनकी कमजोरी भी है और यही उनकी मजबूती भी है कि मायावती को जो भी डिसीजन होते हैं वो किसी से पूछ के नहीं करती हैं, स्वयं के डिसीजन होते हैं। और यही उन्होंने जब सरकार बनाई थी तो उसमें उनको फायदा हुआ था, और जब इनके साथ ही जब जी बिल्कुल लगातार हमने देखा था मनीष की किस तरह से उन्होंने अपना, हमेशा से ही मायावती ने एक अपना पक्ष रखा है और उन्होंने लगातार अपने ही जो उनके मन में आता है वो उसी तरह के फैसले लेती हैं, हालांकि वो कहीं भी जातिवाद में नहीं फंसती हैं। तो देखना अहम होगा कि इस बार उनको ये जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव ना लड़के और डायरेक्टली विधानसभा का चुनाव लड़ने से कितना फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। औरैया के डीएम को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से बहुत बड़ा सम्मान मिला है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने डीएम सर्टिफिकेट को कमिटमेंट से सम्मानित किया है। पहली बार किसी डीएम को यह सम्मान मिला है। अवार्ड मिलने के बाद डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने सम्मानित होने पर सभी लोगों का आभार भी जताया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन और विषम परिस्थितियों में बहुसंख्यक लोगों की जान बचाने के लिए जनपद औरैया के जिलाधिकारी के रूप में मुझे सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं औरैया की सभी जनता, हमारे जो मीडिया बंधु हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं, डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा जो उद्यमी हैं जिन्होंने ऑक्सीजन का मैनेजमेंट बहुत बेहतर किया और साथ दिया औरैया का, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत ही जल्द जिन लोगों ने कोरोना मैनेजमेंट में प्रशासन का सहयोग किया था, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो उद्यमी हों, और बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने जो निशुल्क सेवा शिविर चलाया था, उन सभी को औरैया रत्न से सम्मानित किया जाएगा और उन्हें हर तरीके से बेहतरीन प्रबंधन के लिए एक धन्यवाद ज्ञापित किया। कासगंज में अमापुर विद्युत विभाग की लापरवाही से रिटायर फौजी की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल अमापुर पुलिस निरीक्षक अपने पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों की मांग पर एसडीएम सहावर और प्रभारी डीएसपी नायब तहसीलदार के साथ मौके पर पहुंचे। इस मामले में अमापुर नगर पंचायत अध्यक्ष चांद अली ने अधिकारियों से बात कर उचित मुआवजा दिए जाने की मांग रखी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए जाँच के आदेश दे दिए गए हैं।
तो कासगंज में अधिकारियों की विद्युत विभाग की लापरवाही से एक फौजी की जान चली गई, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा जांच की जा रही है, जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में दो समुदाय के बीच जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट के दौरान दो तरफ से खूब लाठी डंडे भी चले। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिरासत में आए लोगों से पुलिस की पूछताछ जारी है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दो समुदाय के बीच अम्बेडकर नगर में ये मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम टीवी।